नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंकज 98 एजुकेशन में। आज हम आपके सामने लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है एमएस ऑफिस। आज हम लोग जानेंगे एमएस ऑफिस है क्या। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम टॉपिक लिए हैं एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस आज हम लोग की टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शुरू करने से पहले हम लोग इसका परिचय जानें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या, क्योंकि बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ते तो हैं लेकिन जानते नहीं कि होता क्या, ना डिफिनेशन उसके बारे में। सिर्फ ये कहते हैं कि मैं 7 पढ़ा हूँ, 10 पढ़ा हूँ, 3 पढ़ा हूँ, लेकिन क्या ऑफिस होता क्या है आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया एमएस क्या होता है इसको जानिए। एमएस होता है, एमएस का फुल नेम होता है माइक्रोसॉफ्ट। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है एक कंपनी का नाम है जो कंपनी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, और इसके जो ऑनर हैं आपके बिल गेट्स हैं, ठीक है, कौन है? बिल गेट्स। इस कंपनी के ऑनर बिल गेट्स हैं और ये कंपनी जो अमेरिका में है, इस कंपनी ने ऑफिस को बनाया है, एक पैकेज है ऑफिस जिसको इस कंपनी ने बनाया है, इसलिए इस कंपनी का नाम पड़ गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब आपको समझ में आएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। तो यह कंपनी का नाम है और ये ऑफिस इसको इस कंपनी ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है एक पैकेज है, ठीक है, एक पैकेज है जिसमें कई सॉफ्टवेयर के रूप हैं और वो सॉफ्टवेयर किसी विद्यालय में, कार्यालय में, ऑफिस में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पाए जाते हैं। तो उन्हीं सॉफ्टवेयरों के समूह को बना के एक में कर दिया गया जिसको बोला जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपको पता चल गया, एक कंपनी का नाम है एमएस जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, उसने ऑफिस को बनाया था जिसमें कई पैकेज थे, ठीक। अब जो एमएस ऑफिस बना था माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1988 ईस्वी में। कब बनाया था? 1988 ईस्वी में बनाया था। और 1988 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बना। सन 1990 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3 सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया था। कितने सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया था? 3 सॉफ्टवेयर को, ठीक है, 1990 ईस्वी में। वो तीनों सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, पहला जो सॉफ्टवेयर जोड़ा गया था 1990 ईस्वी में ही, पहला जो जोड़ा गया था इसमें एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड जोड़ा गया था। दूसरा था आपका एमएस एक्सेल, ठीक है। तीसरा जो जोड़ा गया था एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर को जोड़ा गया था सन 1990 ईस्वी में। फिर इसके बाद इसको कुछ बढ़ाया गया, चेंजिंग किया गया, तो चौथा जो जोड़ा गया इसमें एमएस एक्सेस, ठीक है, और पांचवा जो जोड़ा गया था एमएस आउट। ये माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य रूप से 5 सॉफ्टवेयर जोड़े गए हैं एमएस ऑफिस में, जो है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस और एमएस आउटलुक। ये 5 मुख्य हैं, 3 जो है 1990 ईस्वी में जोड़े गए शुरू में, ठीक है। अब इससे क्वेश्चन जो आता है, देखिए एमएस वर्ड ये जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक। एमएस एक्सेल जो होता है टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपका एमएस पावर पॉइंट है जो होता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। उसके बाद आपका है एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस जो होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। और पांचवा जो होता है ईमेल क्लाइंट, ठीक है,
यह पांचों है। अब इसका डिफिनेशन आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि कोई पूछेगा एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। पेपर में क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा रहता है एमएस वर्ड, या एमएस वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में भी आएगा, आपको ऑप्शन में भी आता है। उसके बाद पूछेगा एमएस एक्सेल कैसा सॉफ्टवेयर, तो टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, या पूछेगा टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको इसको देखना होगा, एमएस एक्सेल भी टिक लगाना होगा। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन है निम्नलिखित में से, तो पावर पॉइंट होता है, या पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस कैसा सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, या पूछे डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो एमएस एक्सेस है। या एमएस आउटलुक कैसा सॉफ्टवेयर, तो ईमेल क्लाइंट, या क्वेश्चन कर सकते हैं ईमेल क्लाइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, तो ईमेल क्लाइंट जो आउटलुक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और यही मेन पांच जो आपके हैं, यही जो एमएस ऑफिस में पाए जाते हैं मुख्य रूप से, ज़्यादातर लोग फोकस करते हैं, पढ़ाते हैं आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, जो सीसी या किसी भी सिलेबस में जनरली इसको सिखाया जाता है। इसके कई वर्जन्स आ चुके हैं, आप लोग बस इतना जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 पढ़ते हैं, 2007 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं, 16 पढ़ते हैं, 2000 पढ़ते हैं, ऐसा वो सब नाम है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, ये आज मैंने आपको परिचित कर दिया था। 1988 ईस्वी में इसका जो निर्माण हुआ था, और सर 1990 ईस्वी में तीन सॉफ्टवेयर जोड़ा गया था। इसके पहले था लेकिन विदाउट जीयूआई। जीयूआई मतलब क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। उस समय जीयूआई नहीं था, लेकिन जब 90 में जोड़ा गया तो जीयूआई को उसमें शामिल कर दिया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।